Hello guys, I welcome you all on the Catalyst, and today we will discuss MCQs section. So total there will be 10 MCQs. तो हम लोग 10 के साथ मतलब 10 different topics के बारे में बात करें और इस तरह से बहुत से topics आपके cover हो जाएंगे. तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आ रहा है that is related to whip. और whip कौन होता है? देखिए whip का मतलब होता है चाबुक चलाना या चाबुक, जो कि क्या है, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी है, एनडीए, जो ओवरऑल हम लोग अलायंस को एनडीए बोल देते हैं, राइट. तो यहाँ पर देखिए बीजेपी है, राइट. इसके अलावा जैसे कांग्रेस है, या फिर हम लोग बोले तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना. तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज में एक व्हिप होता है, ताकि क्या हो सके, पार्टी लाइन में व्यक्ति चल सके. पार्टी लाइन का मतलब क्या कि पार्टी जो चाहती है उसी दिशा में वह व्यक्ति काम करे, वरना उसे रस्टिगेट भी किया जा सकता है, उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति उस पार्टी से संबंधित है और उस पार्टी लाइन की बात ना मान रहा हो. तो यहाँ पर व्हिप से संबंधित तीन पॉइंट्स हैं. अ व्हिप इज एन ऑफिशियल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एक ऑफिशियल होता है मतलब एक अधिकारी होता है, who act as parties enforcer inside the legislative assembly or house of parliament. तो legislative assemblies जो होती हैं state में, house of parliament में, वहाँ पर क्या enforcer के तौर पर काम करता है, प्रवर्तक के तौर पर काम करता है. enforcer का मतलब जो लागू करे चीज़ों को. concept of the whip is inherited from British parliament system. क्या British parliament system के द्वारा ये पोस्ट को लाया गया था, विप जो इनहेरिट किया है हमने, वो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से विरासत में लिया है. थर्ड पॉइंट है, अंडर द 10th शेड्यूल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ पॉलिटिकल पार्टी हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इश्यू अ विप टू इट्स लेजिस्लेटर. तो 10वां जो शेड्यूल है भारतीय संविधान का, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू इश्यू अ विप टू द टू इट्स लेजिस्लेटर. बड़े ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को और बताइए क्या स्टेटमेंट सही है और क्या गलत है. सो यहाँ पर आपसे फाइनली जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है विच वन इज करेक्ट हेयर अमंग दीज थ्री स्टेटमेंट्स, बताइए. सो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया था, विप के लिए ये टर्म बिल्कुल सही है, एक एनफोर्सर प्रवर्तक के तौर पर काम करता है, बिल्कुल करेक्ट है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में. कॉन्सेप्ट जो है विप का, ये हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से इनहेरिट किया, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. अंडर द 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल में ही आपको याद आ रहा होगा दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ, यहीं पर आता है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अ पॉलिटिकल पार्टी हैज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इश्यू ए विप टू इट्स लेजिस्लेटर, वो विप मतलब चाबुक चला सकती है. तीनों ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इज इट क्लियर. और समय समय पर ये चर्चा में आता रहता है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स को अपोजिशन पार्टी या फिर लीडरशिप में जो पार्टी है वो उन्हें कुछ खरीद फरोख्त इत्यादि से किसी प्रकार की जो है ना टेम्परिंग करना चाहती है वोटिंग के समय, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें होती हैं. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना. तो विप क्या है, एक ऑफिशियल है पॉलिटिकल पार्टी का, ये बात क्लियर हो गई. और एनफोर्सर के तौर पे काम करता है, सीनियर मेंबर जो है जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉर्मली उसे ही विप के तौर पे वहाँ पर जो है बनाया जाता है, फ्रॉम अमंग द हाउस कॉन्टिजेंट टू इश्यू विप. और ये चीफ विप, ही और शी असिस्टेड बाय एडिशनल, तो एक चीफ विप होता है. बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जिनमें बहुत ज़्यादा नंबर्स में MLAs और MP बनकर आए हैं, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में हो जाएगा, ठीक है. तो इसीलिए क्या है, चीफ विप होता है, उसके साथ में एडिशनल विप्स वगैरह भी होते हैं. इंडिया इनहेरिटेड कॉन्सेप्ट ऑफ विप फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम. और 10th शेड्यूल में डिसक्वालिफिकेशन की बात की गई है, यदि कोई लेजिस्लेटर जो व्यक्ति है MLA MP वो पार्टी लाइन पर नहीं चलता और वो डेलिब्रेटली जानबूझकर कॉन्ट्रेरी मतलब जो पार्टी लाइन से विरोध में जाकर कहीं और वोट करता है, तो वो क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक प्रकार की डेमोक्रेटिक वैल्यू है यहाँ पर, कि एक पार्टी लाइन का जो सदस्य है वो पार्टी के लाइन के अनुसार ही चले, ना कि अपने हिसाब से चले, ठीक है. वहाँ पर एक यूनिटी होनी चाहिए और इसीलिए ये विप का पोजिशन लाया गया. अगेन द सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विप. तो ये सब चर्चा में रहते हैं, इसीलिए करंट अफेयर में क्वेश्चन है.
with reference to types of whips issued by political parties in India, consider the following statement. दो statement दिए गए हैं. First one is one line whip is issued to direct the members to be present in the house at the time of voting. जब voting हो रहा है उस समय जो legislator है उसको रहना ही रहना होगा. legislator कौन? MP या MLA. तो क्या ये वन लाइन विप, वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं, वन लाइन विप होता है, टू लाइन का विप होता है और थ्री लाइन का भी विप होता है. तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहना होता है वन लाइन में, ये है क्या. दूसरा है टू लाइन विप इज इश्यूड मेंबर डायरेक्टिंग देम टू वोट एज पर द पार्टी लाइन. और टू लाइन विप में क्या, जैसा पार्टी लाइन बोल रही वैसा ही वोट देना होगा. तो वन टू थ्री, क्या आपने तीनों जो लाइन विप हैं वो पढ़े हैं या नहीं पढ़े. तो देखिए यहाँ पर जो है ना, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं. रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं कि जो ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है टू डायरेक्ट द मेंबर्स टू बी प्रेजेंट, हाउस में आपको प्रेजेंट रहना होगा, ये सेकंड टू लाइन विप है, ठीक है. और थ्री लाइन विप में क्या होता है, जो पार्टी ने बोला है उसी को मानना है. और फर्स्ट लाइन विप में आदमी एब्सेंट भी हो सकता है. तो ये जो लैंग्वेज दी गई है वो दी गई है सेकंड लाइन के लिए. थर्ड, सेकंड वाले स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज दी गई है वो दी गई है आपको थर्ड लाइन विप के लिए. तो आपको याद रखना है दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है. यहाँ पर करेक्ट पूछा था, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हियर. इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर जो वन लाइन विप है, देख लीजिए, इन्फॉर्म मेंबर्स ऑफ पार्टी अबाउट ए वोट. तो केवल ये इश्यू करता है कि वोट के बारे में ये बताता है. इट अलाउज ए मेंबर टू एब्सटेन इन केस दे डिसाइड नॉट टू फॉलो द पार्टी लाइन. वन लाइन विप में वो एब्सेंट भी हो सकता है यदि उसे लगता है कि नहीं, जो पार्टी कहना चाह रही वो मैं फॉलो नहीं कर सकता हूँ उस केस में. टू लाइन विप में क्या होता है, उसे प्रेजेंट रहना ही रहना होता है हाउस में, याद रखना ये बात. और थ्री लाइन विप में क्या होता है, जैसा पार्टी ने मेंबर्स को डायरेक्ट किया है आपको उसी दिशा में, मतलब उसी के फेवर में वोट करना होता है. तो पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, राइट. चलिए, थर्ड केस है पहला पॉइंट और ये है सेकेंड पॉइंट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ एडजर्नमेंट एज वेल एज एडजर्नमेंट साइनेडाई, है ना. साइनेडाई का मतलब पूरी तरह से जो है, एक तो होता है स्थगन कर देना, वो तो एडजर्नमेंट है, और अनिश्चित काल तक, लंबे समय तक, वो क्या है. तो ये है अपने आप में लंबे समय तक के लिए. तो ये एडजर्नमेंट तो स्थगन, लंबे समय के लिए स्थगन. क्या ये सब करने की ताकत क्या प्रेसिडेंट के पास होती है. दूसरा स्टेटमेंट है प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कैन प्रोरोग. और प्रोरोग का मतलब क्या होता है, किसी सत्र को खत्म करना. जैसे आप देखते हैं ना, मानसून सेशन है, विंटर सेशन है और बजट सेशन है. तो उसको जब खत्म करना होता है सत्रावसान, प्रोरोग, शुरुआत भी कौन करता है, अंत कौन करता है, याद कीजिए. तो क्या यह प्रेजाइडिंग जो ऑफिसर है उसके पास ताकत है कि जो सत्रावसान करेगा वो करेगा, बताइए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तीन लगातार पॉलिटी से क्वेश्चन, एंड ऑल द थ्री पॉइंट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, साइनेडाई और एडजर्नमेंट का जो प्रोसेस है, ये सभी प्रोसेस किसके हाथ में होता है. दीज ऑल प्रोसेसेस आर अंडर द हैंड ऑफ प्रेजाइडिंग ऑफिसर. तो रिवर्स लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है साइनेडाई एडजर्नमेंट, ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर का काम है. और जो सेकंड प्रोरोग की बात की गई है, दैट इज रिलेटेड टू, प्रोरोग कौन करता है, आपको याद आ रहा होगा, प्रेसिडेंट करते हैं. तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रिवर्स दिए गए, उल्टे दिए गए. तो यहाँ पर अगेन क्या हो गया आंसर, द आंसर विल बी डी हेयर. इज इट क्लियर? चलिए, सो यस, डी इज द करेक्ट आंसर हेयर. पावर ऑफ द एडजर्नमेंट एज वेल एज एडजर्नमेंट साइनेडाई, लंबे समय तक के लिए वो स्पीकर और चेयरमैन है ना, उसका प्रेजाइडिंग ऑफिसर का काम है ना, वेदर इट इज लोअर हाउस और अपर हाउस, राइट. प्रेसिडेंट इश्यूज ए नोटिफिकेशन ऑफ प्रोरोगेशन. तो कौन इश्यू करता है भाई, प्रेसिडेंट करता है, ऑफ द सेशन आफ्टर बिजनेस ऑफ सेशन एंड इज कंप्लीटेड
and presiding officer declares the house adjourned sine die. Is it clear? तो प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउस वाइल द वाइल इन सेशन, जब सेशन में है, प्रोरोग सत्रावसन करने की ताकत किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास. तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया. चलिए अब बात आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और ये है कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड. तो पहला स्टेटमेंट है, एज पर एटलीस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, माफी चाहता हूँ, एज पर द लेटेस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन विल बी सेटअप एट डिस्ट्रिक्ट लेवल विद पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ 1 crore to 10 crore. तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 crore to 10 crore तक के जो फैसले हैं, जो रेड्रेसल है, जो कोर्ट जो केसेस आते हैं कंज्यूमर्स से संबंधित, तो उनका जो निस्तारण है वो 1 crore to 10 crore तक की ताकत का डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के कोर्ट के पास है क्या? डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का जो बताइए. उसके बाद है, इफ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, यदि डिस्ट्रिक्ट फोरम से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या वह हाई कोर्ट में अपील करेगा इसके रिगार्डिंग? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. कंज्यूमर कोर्ट वगैरह हमेशा से चर्चा में रहते हैं. बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? ध्यान से पढ़िए दोनों स्टेटमेंट. सो देखिए, एक बार पॉज कर लीजिए, यदि आपने पढ़ लिया है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए और आंसर कोशिश कीजिए कि सही है. डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट की जब बात करते हैं तो उसका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जो कैपेबिलिटी है वो लगभग 1 crore की है. स्टेट लेवल तक का जो है उसकी 1 to 10 crore तक की है. ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट केवल 1 crore तक है, नॉट 1 to 10 crore. फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 2019. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर. इफ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, ही शी कैन अपील हाई कोर्ट. नहीं भाई, हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता यदि डिस्ट्रिक्ट फोरम पे उसका कोई भी फैसला आया और वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है अपील. ये याद रखना, नॉट हाई कोर्ट. ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट में, तो ऐसा नहीं है. तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आएगा और यहाँ पर केवल 1 crore तक आएगा. आपको मैं डिटेल में इसके एक्सप्लेनेशन को बता देता हूँ. डी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर करेक्ट पूछा गया था. देखिए, डिस्ट्रिक्ट का जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है, ये देख लीजिए फुल फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट का जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है, विल एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट डज नॉट एक्सीड ₹1 crore. तो ये याद रहेगा आपको हमेशा, परमानेंट. इज इट क्लियर? द स्टेट CDRI, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल जो कमीशन है, स्टेट CDRS RC, ये कहाँ तक देख सकता है? ये 10 crore तक. कहाँ से कहाँ तक? 1 to 10 crore की पावर किसके पास है? स्टेट लेवल का जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है. और नेशनल लेवल पर जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है, 10 crore से ज़्यादा तक के कोई गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्प्यूट हैं, उसको नेशनल लेवल का CDRC देखेगा. यदि डिस्ट्रिक्ट CDRC में जो हर्ड सुना गया है विल बी हर्ड बाय स्टेट CDRC अपील्स, यदि डिस्ट्रिक्ट CDRC ने जो सुना है वो ठीक नहीं है, तो वो किसके पास जाएगा? वो स्टेट CDRC के पास जाएगा. अपील्स फ्रॉम स्टेट CDRC विल हर्ड बाय नेशनल CDRC. और इसीलिए क्या है, CDRC को बायपास कर दिया जाए, तो यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर क्या हो सकता है, नेशनल लेवल पर जा चुका होगा और उसके बाद में वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में जाती है. इज इट क्लियर? तो कंप्लेंट्स अगेंस्ट द अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाइल्ड ओनली एट स्टेट एंड नेशनल लेवल. तो कंप्लेंट जो कॉन्ट्रैक्ट की है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो स्टेट या नेशनल लेवल पर जो CDRC कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है उसमें दायर की जा सकती है. इज इट क्लियर? तो ये पूरा अपने आप में एक टॉपिक था, वो आपको क्लियर हो गया, यस और नो? चले आगे.
अब बात आ रही है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, और यहाँ पर बोला गया है कि जो सेक्शन 8 है आरपीए का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए 1951, ये न्यूज़ में था रिसेंटली, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेक्शन 8 चर्चा में था और आपको बताना है कि ये क्यों चर्चा में था। पहला है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीस एंड एमएलएस फॉर फेलियर टू लॉज अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, कि उन्होंने कितना खर्चा किया है जब वो चुनाव लड़ रहे थे, यदि वो अकाउंट नहीं बता पाते तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, इससे रिलेटेड है। बी पॉइंट है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलएस फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, यदि वो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसके लिए डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्या इससे संबंधित है सेक्शन 8। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएस ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, क्या इससे संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए क्यों ये चर्चा में था। यहाँ पर याद रखना है आपको कि सेक्शन है जो सीरियस टाइप ऑफ क्राइम्स थे, जिसमें जो है किसी व्यक्ति को, मान लीजिए एमएलए एमपीज को 3 साल तक की जेल हो सकती है, तो उन केसेस के लिए उन्हें डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, सीरियस जो क्राइम है उसी के लिए जेल की सज़ा लंबी होगी। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, इज इट क्लियर, यस सी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर देखिए सेक्शन 8 जो है डिसक्वालीफाई करता है पर्सन कन्विक्टेड, हाँ 2 साल या इससे ज़्यादा, ठीक है 2 से 3 साल या इससे ज़्यादा, उसके लिए डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा एम पी एम एल ए को। वैसे मैंने आपको कई बार बताया कि इम्यूनिटीज़ प्रदान की गई है, इम्यूनिटीज़ क्या होती है, प्रतिरक्षा प्रदान की गई है कि कभी भी एमएलए एमपी को उस सदन में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अभी आपको नारायण राणे का केस याद आ रहा होगा, अनटिल अनलेस जो स्पीकर है लोकसभा के या फिर चेयरमैन है राज्यसभा के, उनको बताए बिना उन्हें गिरफ्तार या वारंटी इस तरह की चीज़ें नहीं की जा सकती, वो बताना बहुत ज़रूरी है। ये बात अभी नारायण राणे और शिवसेना वाले केस में हमने देखी थी, याद आ रहा है आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एंड दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, हमेशा चर्चा में रहता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट विच विद ज्यूरिसडिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर इंटरनेशनल क्राइम, क्या ये पहला और केवल एकमात्र परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है ज्यूरिसडिक्शन जिसका दायरा जो है न्यायाधिकरण का टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर इंटरनेशनल लेवल क्राइम, क्या यह रोम स्टैट्यूट के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है, बताइए विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। देखिए आईसीसी जो है बिल्कुल करेक्ट बात है कि ये केवल एक और ओनली परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पर इंटरनेशनल क्राइम को लेकर, यस ये सही, और रोम स्टैट्यूट के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट है, राइट बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये पॉइंट एज इट इज, और किस प्रकार के क्राइम्स, इंटरनेशनल कोई क्राइम हो, जेनोसाइड हो, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मानवता के खिलाफ कोई क्राइम हो, जेनोसाइड का मतलब बड़ी संख्या में नरसंहार कर दिया हो, जैसे जिस प्रकार आप एक होलोकास्ट देखते हैं, होलोकास्ट ये कब देखा था, होलोकास्ट जो है हिटलर के द्वारा किया गया था, बहुत सारे लोगों को चैम्बर्स में जो है ना एग्जॉस्टेड चैम्बर्स में डाल दिया गया था। इंटरनेशनल क्राइम हो, वार क्राइम्स, जिसे वार क्राइम्स तो भारत और पाकिस्तान के बीच में चर्चा में हमेशा ही रहता है ना, वार क्राइम का मतलब कोई भी व्यक्ति उसको दंडित नहीं किया जा सकता यदि पाकिस्तान ने हमारे आम सोल्जर्स वगैरह को गिरफ्तार कर लिया, क्राइम ऑफ एग्रेशन, ये सभी जो है आईसीसी के अंदर आते हैं, ठीक है। रोम स्टैट्यूट के तहत इसको बनाया गया और ये कब फोर्स में आया, कब बना है भाई, जुलाई 1, 2002 में, इज इट क्लियर। होलोकास्ट क्या है समझ में आ गया है ना, हिटलर और उस समय के व्हाट वाज द रीज़न व्हाई वर्ल्ड वॉर सेकंड हैपेंड, कैन यू टेल मी व्हाट ऑल आर द रीज़न व्हाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हैपेंड, तो ये ज़रूर बताइए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्यों हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्यों हुआ था, इस पर ज़रूर शॉर्ट नोट लिख दीजिए, आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीएस पेपर 1 के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए जितने भी ये वार्स हुए हैं, ठीक है। चलिए विद रेफरेंस टू इंडियाज़
कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पर होगा सोचिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ज्योग्राफी से रिलेटेड एक प्रश्न है, क्या ये लोकेटेड है वेस्टर्न हिमालयाज रीजन में, मतलब पश्चिमी हिमालय रीजन में है क्या ये कोल्ड डेजर्ट। इट इज नोटेड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ रेड पांडा, क्या यहाँ पर रेड पांडा का संरक्षण होता है। इट कॉम्प्राइजेज द पिन वैली नेशनल पार्क एंड किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्या इसमें जो ये देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने आपको ऑलरेडी बताया बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, कुछ अलग अलग सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये सब मिलजुल के जो है उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। जैसे नीलगिरीज है, वहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क सेंचुरीज इत्यादि हैं, इज इट क्लियर। तो वो बायोस्फीयर रिजर्व है और 18 है टोटल, ठीक है। बताइए क्या स्टेटमेंट सही है, क्या वेस्टर्न हिमालयाज में, ये सोच कर देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिमिनेट करिए और बताइए क्या आंसर सही है। देखिए कोल्ड डेजर्ट लद्दाख रीजन में है, ऑब्वियसली वो वेस्टर्न हिमालय ही हो गया, ईस्टर्न हिमालय तो नॉर्थ ईस्ट साइड में होगा, पहला स्टेटमेंट सही है। रेड पांडा इत्यादि का जो प्रिजर्वेशन है वो तो सिक्किम में, नेपाल और चाइना में है, तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, सेकंड गलत है, काट दीजिए सेकंड को, कट और कट, और यहाँ पर फर्स्ट तो सही है। पिन वैली नेशनल पार्क, केबलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको पता होगा इसी कोल्ड डेजर्ट में हेमिस हाई भी है, तो इनसे मिलकर ये बना है, ठीक है। तो हेमिस हाई तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का, क्षेत्रफल की बात करें एरिया वाइज, तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज करेक्ट हियर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए कौन कौन से इसे मिलकर बना है, ये पिन वैली नेशनल पार्क जो कोल्ड डेजर्ट है, राइट, और ये लद्दाख वाला रीजन है हिमाचल प्रदेश, हिमालय रीजन के पास। चंद्रताल ये कहाँ पर आता है, हिमाचल प्रदेश में। सरचू और किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उससे ऊपर हेमिस हाई अलग है, और यहाँ पर स्नो लेपर्ड का प्रिजर्वेशन होता है, स्नो लेपर्ड्स हमने चर्चा की थी इस पर। द वेस्टर्न हिमालयाज रीजन विद इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वाला जो थोड़ा सा रीजन वहां है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपली पाल, जैसे नाम याद आए बताइए कौन से राज्य में है ये सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लॉकेटेड है, सोचिए, एलिमिनेट कीजिए यदि सही है, गलत है, नहीं है तो करेक्शन में लगाइए, यस करेक्ट है। क्या ये लार्जेस्ट चोन है ऑफ साल इन इन ऑल इंडिया, साल के जो वृक्ष होते हैं उसका लार्जेस्ट जोन है ये। इट इज अ होम ऑफ पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, क्या ये रॉयल बंगाल टाइगर और एलिफास मैक्सिमस जो एशियाटिक एलिफेंट है उसका होम है ये, बताइए। सिंपली पाल सबसे पहले तो याद कीजिए कि कौन सा राज्य है, स्टेट कौन सा है, उसके बाद आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, बताइए। देखिए यहाँ पर यदि हम नॉर्थ ईस्ट को ऐसा कंसीडर करें कि नॉर्थ ईस्ट के वो सेवन स्टेट्स वगैरह लें तो ये पॉइंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली बात करें तो ये ईस्ट में भी है और नॉर्थ ईस्ट, सिंपली पाल तो आपको पता है ओडिशा में है, राइट, तो इस स्टेटमेंट को तो हम लोग होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। हाँ, लार्जेस्ट जोन साल का लार्जेस्ट जोन है, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में भी हैं, क्योंकि देखिए सिंपली पाल जो है वो तो ओडिशा में लोकेटेड है और एलिफेंट वगैरह यहाँ पाए जाते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड कहाँ सही है, सेकेंड एंड थर्ड यहाँ भी सही हैं और यहाँ भी सही हैं, राइट। अब फर्स्ट की बात आती है तो देखिए सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इंडिया के ये एग्जैक्टली ईस्ट बोला जा सकता है ना, तो एग्जैक्टली चेक कर लेते हैं फिर। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है डी, सो लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व लाइज इन टू बायोजियोग्राफिक रीजन, तो एक तो है महानदियन ईस्ट कोस्टल रीजन एंड ओरिएंटल रियाम ऑफ नॉर्थ छोटा नागपुर। तो देखिए इसको एग्जैक्टली हम नॉर्थ ईस्ट नहीं कह सकते, इसको हम लोग यदि ईस्ट होता ना तो आंसर फिर भी सही आ जाता, साउथ भी नहीं बोल सकते, तब तो ये स्टेटमेंट सही होता। नॉर्थ ईस्ट तो हम लोग नॉर्मली सेवन
जो सिस्टर स्टेट्स हैं उनको बोलते हैं। तो ऐसा करेंगे तो ये करेक्ट है। तो थोड़ा सा करेक्शन करवा दिया मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है। लार्जेस्ट जोन है साल का और 42 अलग अलग प्रकार के मैमल स्पीशीज पाए जाते हैं स्तनधारी, 464 बर्ड स्पीशीज हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियन मतलब उभयचरी जीव भी हैं, और यहाँ पर ये दोनों भी पाए जाते हैं। फोनास भी, फोनास का मतलब पेड़ पौधे भी, पर्टिकुलरली एंडेंजर्ड यहाँ पे बहुत सारी है। तो अपने आप में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक एलिफेंट भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली पाल है कहाँ, सिंपली बात करें तो इट इज लोकेटेड इन ओडिशा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो ग्रेट निकोबार जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या यह वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका और साउदर्न ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया पे लोकेटेड है। मतलब देखिए ये इंडिया है, साउदर्न ईस्टर्न टिप का मतलब ये वाला, और श्रीलंका के बीच में ऐसा कुछ, क्या ये है। इट इनकॉर्पोरेटेड टू नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। क्या इसमें दो नेशनल पार्क है, जैसा मैंने आपको बताया बायोस्फीयर रिजर्व में अलग अलग ये हो सकता है। और क्या यह इंडिजीनियस मतलब जो यहाँ की घरेलू शॉम्पेन जो ट्राइब है वो यहाँ पाई जाती है क्या। शॉम्पेन ऐसा आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट निकोबार वगैरह अंडमान निकोबार में शॉम्पेन, जारवास, ओंगे है ना, ये सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए शॉम्पेन, बताइए क्या स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से पॉज कर लीजिए। देखिए थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही, शॉम्पेन कहाँ पाए जाते हैं याद रखना, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में शॉम्पेन पाए जाते हैं, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क बिल्कुल यहाँ पर देखिए क्या है कि ये श्रीलंका और साउदर्न टिप पर नहीं है लोकेटेड, क्योंकि इसके बीच में तो जो है मन्नार की खाड़ी है, पाक बेज है, मन्नार की खाड़ी है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। तो जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ रॉन्ग, बहुत ही सिंपल है, जब ग्रेट निकोबार की बात करें तो श्रीलंका और इंडिया के तमिलनाडु वाले रीजन से क्या मतलब है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हुआ, ऑल द थ्री जो ऑप्शन है वो कट हो गए। आंसर क्या आ गया आपके पास, दो और तीन। तो बिल्कुल दो नेशनल पार्क है, शॉम्पेन लोगों का घर है यहाँ, ठीक है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। गल्फ ऑफ मन्नार लाइज बिटवीन वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका। तो देखिए गल्फ ऑफ मन्नार है श्रीलंका और साउदर्न टिप ऑफ इंडिया में कोरोमंडल कोस्ट पर। ग्रेट निकोबार में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गैलेथिया नेशनल पार्क, ये तो चर्चा में भी था, गैलेथिया और कैंपबेल इन दोनों से मिलकर क्या बना है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। और इसे कब डिक्लेयर किया गया बायोस्फीयर रिजर्व, जनवरी 2013 में, राइट, गेजेटेड किया गया नेशनल पार्क के तौर पे। ये दो कैंपबेल और गैलेथिया दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, और उसके बाद में किसी का नंबर आता है तो वो है अंडमान निकोबार और फिर आता है असम। तो याद रखना ये सीक्वेंस। इंडिजीनियस निकोबारीज, वहाँ के घरेलू निकोबारीज और शॉम्पेन प्रजाति यहाँ पर इस टेरिटरी में पाई जाती हैं। एक और आपको जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो अलग अलग जैसे सिंह भूमि है, कोवालम है, तो ये सभी सेंचुरीज नेशनल पार्क के तौर पे जाने जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है अबुझमाड़ क्या ये झारखंड में है, सिंह भूम क्या ये उड़ीसा में है, और कोवलम क्या ये केरल में है। बताइए क्या सिंह भूमि उड़ीसा में है, कंफर्म कीजिए, सोचिए सिंह भूमि उड़ीसा में है कि नहीं, याद कीजिए। अबुझमाड़ कहाँ है, तो देखिए सिंह भूमि तो क्लियर है, सिंह भूमि झारखंड में है, सेकंड को कट कर दीजिए जहाँ भी सेकंड आ रहा। तो ये सीधी सीधी बात है, कई बार आपके लिए ऑप्शन बहुत ही सिंपल हो जाता है। सिंह भूमि इज नॉट इन उड़ीसा, इट इज़ इन झारखंड। तो सेकंड को जैसे ही कट किया तो आपके पास क्या बच रहा है, देखिए ओनली थर्ड। और बिल्कुल सही बात है, कोवलम जो है केरल में है। सो ओनली एंड ओनली करेक्ट आंसर विल बी हेयर बी, इज इट क्लियर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए थर्ड इज ओनली करेक्ट। सो यहाँ पर ये वो पोटेंशियल साइट्स हैं फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स एज सेलेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट।
तो ये वो पोटेंशियल साइट है जिन्हें मतलब यहाँ पर नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, तो इनको बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात आ रही है अबुझमाड़ कहाँ पर है, ये लिंक जरूर याद रखना क्योंकि ये लेटेस्ट लिस्ट है, चर्चा में है, बायोस्फीयर रिजर्व की पोटेंशियल साइट है। 18 आर ऑलरेडी अवेलेबल, 18 पहले से ही हैं। तो अबुझमाड़ जरूर याद रखना, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में, नॉर्थ आइलैंड, चिंतापल्ली, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, काना काना जो है वो तो मध्य प्रदेश में सबको पता है, कोवालम ये भी याद रहेगा आपको, लक्षद्वीप आइलैंड लक्षद्वीप में, लिटिल रन ऑफ कच्छ ये भी एक प्रोबेबल पोटेंशियल साइट है, तो वो तो पता ही है, जंगली गर्दभ गधे पाए जाते हैं, पवंग पुई, ब्लू माउंटेन ये तो बहुत ही फेमस है, ब्लू माउंटेन ये तो ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट प्लेस है, पवंग पुई है ना, ब्लू माउंटेन वहाँ पर पाए जाते हैं, नाम दफा ये अरुणाचल प्रदेश में, सिंहभूम झारखंड है, त्वांग वैली याद आ रहा है आपको, अरुणाचल प्रदेश में बताया था मैंने, अरुणाचल प्रदेश में वो लोकेशन जो बुद्धिस्ट के लिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, एंड वेस्ट कैमांग अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो वेस्ट कैमांग ये हमने पढ़ा हुआ है, तवांग त्वांग थोड़ा इधर आता है, वेस्ट कैमांग डिस्ट्रिक्ट का नाम है। फिर आ रही है बात थार डेजर्ट की भी संभावना, और टोडोबा, टोडोबा अंधेरी है ना ये महाराष्ट्र में, टोडोबा अंधेरी, और संजय गांधी नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में, तो ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स की पूरी संभावना है। तो इसी प्रकार से क्या है, हम लोग रेगुलर बेसिस पर डिफरेंट सेक्शन को करेंगे कवरअप, सारा कुछ हो जाएगा, 360 डिग्री एनालिसिस यहाँ पर आपको कवरअप होता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद दोस्तों।